चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और पूरी सृष्टि इसी सिद्धांत पर चलती है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करेंगे जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। यह वृक्ष इतना खतरनाक है कि यदि बारिश हो रही हो और आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, तो इस पेड़ पर से गिरने वाले पानी की बूंदों से आपके शरीर में जलन होने लगेगी। इस पेड़ के पत्ते, फल, सब कुछ जहरीला है। तो दोस्तों, इस पेड़ का नाम है मैंसिनील, यानी कि मैनकिन्यो, और इसका लेटिन नाम है हिपोमैन मैंसिलिना। देखने में यह वृक्ष एकदम राजपाल यादव जैसा मासूम सा है, लेकिन स्वभाव में यह है अमरीशपुरी। तो अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा राज्य के दक्षिण क्षेत्र, कैरेबियन समुद्र के द्वीप, मैक्सिको, बहामास, मध्य अमेरिका, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ आदि देशों के समुद्री किनारे पर यह वृक्ष देखने को मिलता है। भारत के कुछ समुद्री तटों पर भी यह वृक्ष पाया जाता है। समुद्री किनारों पर मैंग्रोव के वृक्षों के साथ यह वृक्ष खूब फलता फूलता है, और यह वृक्ष समुद्री लहरों से होने वाले जमीन के कटाव को भी रोकता है। कैरिबियन इलाकों में यह वृक्ष समुद्री तूफान से बचाता है। तो दोस्तों, बात है 1999 की एक महिला जिनका नाम था डॉक्टर निकोला एच स्ट्रिकलैंड, जो व्यवसाय से रेडियोलॉजिस्ट थी। वेस्ट इंडीज के टोबेगो द्वीप पर वेकेशन मना रही थी। उन्होंने समुद्र के किनारे से कई सीप और शंख बीने, वो आम और नारियल के बगीचे से होकर गुजर रही थी। उन्हें फल दिखाई दिया, तो उन्होंने उस फल को सूंघा तो उसका खुशबू काफी अच्छी थी। उन्होंने उस फल को चखा तो उसका स्वाद था मीठा, लेकिन इसके बाद ही समस्या शुरू हुई। फल को खाने के बाद उनके मुंह और गले में जलन होने लगी, भोजन निगलना मुश्किल हो गया, बोलना भी मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे गले में गांठ बन गई हो। तो डॉक्टर निकोला को 8 घंटों तक इस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ा, उसके बाद उनकी स्थिति नॉर्मल हुई। तो मैनकिन्यो के फल हल्के पीले सेब जैसे होते हैं, और इन फलों में फिजोस्टिग्माइन नामक जहर होता है। 1935 में पर्सी लेरवॉन जूलियन और उनके सहयोगी जोसेफ पीकी नामक दो रिसर्चर्स ने इसका सिंथेटिक स्वरूप बनाया था, और इस जहर का उपयोग आंखों के रोग और कब्ज के रोग की दवा के रूप में होता है। तो मैनकिन्यो के पत्तों में हिपोमैन ए और बी नामक दो जहरीले तत्व होते हैं। कई बार ये जो जहरीले तत्व हैं पत्तों की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं, और बारिश के पानी में यही घुल जाता है। इसीलिए इस पेड़ के नीचे बारिश के समय खड़े होने पर जलन होती है। सदियों पहले स्पेनियार्डों ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य पर हमला किया, तो वहां के लोगों ने मैनकिन्यो के पत्ते वहां के तालाब में डाल दिए, और इन तालाबों का पानी पीकर कई स्पेनियार्ड्स जो सैनिक थे वो मर गए। 1521 में फिर स्पेनियार्डों पर हमला किया, तो फ्लोरिडा के लोगों ने मैनकिन्यो के जहर में बुझे हुए तीरों से हमला किया। इसमें से एक तीर जुआन लियोन को लगा। इससे जुआन लियोन मरा तो नहीं, परंतु उसकी पूरी सेना को भागना पड़ा। मैनकिन्यो की लकड़ी को जलाने पर जो धुआं निकलता है वो भी जहरीला होता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये वृक्ष इतना जहरीला क्यों है भाई? तो इसका कारण है कि प्रत्येक सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, अपनी वंश वृद्धि को करना चाहता है। जैसे कि गुलाब के पौधे में शानदार फूल होते हैं ताकि उस पर मधुमक्खियां आकर्षित हो और वृक्ष का परागनयन होता रहे। वहीं दूसरी ओर बकरी है जो उस पेड़ को खाना चाहती है, तो उसके साथ साथ उस पे कांटे भी उगाते हैं। तो यही कुदरत की व्यवस्था है, फल मीठे लेकिन पत्ते जहरीले। जैसे कि आपने देखा होगा कि अखरोट है, अखरोट की जरोड़ में जगलोन नामक विष उत्पन्न होता है और आसपास की मिट्टी में फैल जाता है। तो इससे वनस्पति शास्त्रों ने नोटिस किया कि अखरोट के वृक्ष के आसपास 12 मीटर की त्रिज्या में कोई वेल या पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इस प्रकार वनस्पति के उन हिस्सों में विष उत्पन्न होता है जो निरुपयोगी है, जैसे कि पत्ते। परंतु मैनकिन्यो का फल भी जहरीला है। मैनकिन्यो का फल जमीन पर गिरता है तो कुछ समय बाद वो सड़ने लगता है, और फल क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, और समुद्र के पानी में तैरता हुआ ये फल एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचता है, और उसमें से निकलता है एक दूसरा वृक्ष, और मैनकिन्यो अपने वंश को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, कुदरत का करिश्मा चारों ओर देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।